अंधा पीसा कुत्ता खाओ सारे आम देश ने बेकूफ बना हुआ। तू शाम दो कुमार मैं खट्टर साहब ने मरवा लिया या आखिरी में कह के जाऊं बीजेपी वाले सारे भाई। मनोज राठी हाँसी में जिसकी आवाज गुंजा कर दी वो पता नहीं भूमिगत हो गया और आज हमने उसको टो लिया है। कहाँ रहने लग गए थे और क्यों उनकी आवाज गूंजती नजर नहीं आ रही कई दिनों से, तो आज हमने रेस्ट हाउस में टोया है उस मनोज राठी को जो किसानों का आम आदमी पार्टी का नेता है और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी है, प्रदेश प्रवक्ता है। पता नहीं कित गायब हो गया था, आज ढूंढ ढांड का जो रेस्ट हाउस में केक रहे हैं नेताजी इन तब बात कराएंगे मनोज राठी जी से। मनोज राठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी, बिल्कुल धन्यवाद। आपके सभी जो फॉलोअर्स हैं जो दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। सर रेस्ट हाउस में तो मैं चेक करने लग रहा हूँ, कब्जा तुड़वाने की तैयारी करने लग रहा हूँ। कई दिन आप हाँसी से भूमिगत रहे और हाँसी में आपकी आवाज सबसे घनी गूंजी और पूरे देश को सुनाई दी। ईब खड़ा रहना लाएगे आज तुम तो बड़ी मुश्किल से थे आए हो और के करना चाहो देश किस डाल साल जाए ऐसे है और प्रदेश हरियाणा किस डाल साल जाए। हाँसी की जनता के दिलों में रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे हमेशा। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, प्रदेश के और देश के हालात तो बड़े खराब हैं। जो देश है कि आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित हो, जो कृषि प्रधान देश हो और वो देश है, अगर किसानों की ना सुने तो किसकी सुनेगा जी। आज देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी ने बड़े माड़े हालात पैदा कर दिए हैं और मैं तो कहूँगा कि इमरजेंसी से भी खतरनाक ही सरकार ने काम कर रखा है। आपके सामने आज लाखों किसान सड़कों पे क्यों है? कोई भी आदमी सड़क पर क्यों आता है? जब उसकी कोई मांग होती है तब वो सड़क पर आते हैं। बात सुनो, पंजाब के अंदर पहले मैं बात पूरी कर दूं, पंजाब से किसान चले दिल्ली के लिए, पंजाब भी तो हमारे देश का हिस्सा है, उन किसानों को रोकने के लिए इतने तगड़े बॉर्डर खट्टर साहब ने लगा दिए, इतने तगड़े बॉर्डर लगा दिए। जब यही बॉर्डर, मैं तो कहना चाहूंगा यही बॉर्डर जब पाकिस्तान पर लगा देंगे तो हमारा एक जवान भी शहीद नहीं होता। इनसे पाकिस्तान के उग्रवादी तो रुकते नहीं और हमारे किसानों को बड़े बड़े बॉर्डर लगा के रोकने का काम करते हैं। बात सुनो, तीन केंद्रीय मंत्री वार्ता कर रहे हैं इनसे, चंडीगढ़ में आके कर रहे हैं, इनकी मांग। अरे वो चाचा की नहीं देवे तो कौन ही वार्ता कर रहे हैं। तीनों बिल वापस ले लिए और उस पर समिति बना दी एमएसपी पे, और के चाहो कि भी पूरा ऐसे है। देखो बड़ी लॉजिक बात बताऊंगा, आम आदमी दुखी भी है, सारे रोड बंद पड़े हैं। ऐसे है, मैं आपने यही तो बात बताना चाहूँ, नासा में लट दिया जब तो उल्टे कानून लिए। रही बात स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की जिसको एमएसपी कवाए, अरे स्वामीनाथन को तो भारत रत्न देने लाग रहे हैं, उसकी बनाए रिपोर्ट लागू कौन करे? बैरी का हट देख लो, अंधा पीसा कुत्ता खाओ सारे आम देश ने बेकूफ बना हुआ। खट्टर साहब के जनरल डायर की आत्मा बढ़ रही है, मैं कोई शाना सप्तन दिखाओ बढ़िया बाबन इलाज कराओ। मैं तो बीजेपी वाला था प्रार्थना करूं कोई डंके बाबा दौरे ले जाओ, उसने खट्टू साहब दो मरवा लिया, आत्मा लिखट जाएगी। खट्टर जनरल डायर की आत्मा बढ़ी, खट्टर साहब लॉ एंड ऑर्डर खत्म करवा दे, इन सड़का पे गिरवा दे। आम आदमी डेढ़ साल के साथ आपने बेरा होगा, आप भी यानी कि दिल्ली जाना तरसा कर दे, दिल्ली को नहीं पहुंच पाया कर दे। आम आदमी का इंटरव्यू हो तो दिल्ली नहीं पहुंच पाया कर दे। मैं तो बार बार एक बात बताऊं, हाँ। आज रोड जाम अगर किसान करेगा कोई आम आदमी करेगा तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर देगी रोड जाम का। यो खट्टर साहब ने सारे रोड जाम कर दिए, का था मुकदमा खट्टर साहब पर दर्ज होना कि नहीं होना चाहिए? बताओ किसने रोड जाम करे हैं? आज आप यहाँ टोल पार करोगे, रोड के ऊपर कंटेनर लगा दिए हैं बड़े भारी भारी, लोग परेशान हैं, लोग भीड़ में परेशान हैं और ये फिर भी नहीं मानने लग रहे। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हरियाणा के अंदर सारे रोड खोलो, पर सारे रोड जाम हैं, ये हाई कोर्ट की नहीं मानने। मैंने पहली बार सरकार देखी सी, मन तो पहली बार ऐसे नेता देखे। 10,000 ट्रैक्टर होना चले गए तो फिर दिल्ली जाम जुड़ते कोनी एक भी ट्रैक्टर ना, लाइन ऑर्डर तो मेंटेन करेंगे। मैं तो एक बात कहूँ, एक भी ट्रैक्टर कौन जाओ? एक बात बताओ, चलो लॉजिक की बात करते हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियां का इस सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, 14 लाख करोड़ रुपये, कुछ एक रुपये किसाना के माफ कर दें दे, क्यों फूफे लागे हैं वो अन के कुछ एक है के इनके कुछ एक है। मैं बार बार कहूँ वो उद्योगपति रिश्तेदार है के इनके, जिनके रुपये माफ कर दिए इन लोगों ने, किसाना का लठ मारे बे कर्जा माफी
की मांग करे तो बैरिकेड लगा दे, वो कर्जा माफी की मांग करे तो आम आदमी पार्टी है। कौन से दाम है आम आदमी पार्टी ने किसी ने रोके? लगाम छोड़ दी उनकी, वो आगे उड़ा बॉर्डर पर। सरकार आम आदमी का लगाम गालन खातर बने है, मैं तो बार बार पूछू, इसका मतलब खट्टर साहब ने सारा हरियाणा का लगाम गाल दी। आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार चलाने वाली पार्टी है, हम किसी का लगाम नहीं गालते ना किसी को रोकते, आदमी का अधिकार है, संविधान ने हमें ताकत दे रखी है। एक बात और बताऊं आपको, ये बीजेपी सरकार है, इनके मंत्री इनके नेता संविधान को मानते नहीं, ये लोग संविधान को ही नहीं मानते, इसीलिए तो गैर कानूनी काम ये लोग करते हैं। तीसरी बार दावा करा है प्राइम मिनिस्टर ने 400 पार एनडीए जाएगी और इंडिया खंड बंड होगी, और आप वाले जो मंत्री थे सारे भीतर हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे ना उन पर, ससोदिया पर लाया गया, जैन पर लाया गया, अरे वो कौन सा तीसरा मंत्री और अरीब इसकी भी ईडी के सम्मान लाया गया आपके मुख्य दो एक घंटे ईडी मन दिवा दे, दो एक घंटे मन दिवा दे, अरे बीजेपी वाले मुख्यमंत्री समेत मनी लॉन्ड्रिंग उग्रवादियों पर लगा करती, जिसमें बेल कोनी 8 साल तक वो धारा लगा दी, किसी पर लगा उसने भीतर दे दे मेरी गार्ड, अरे मौका हमने मिलेगा देखांगे टेम आने दो आप। लेकिन भीतर जैन भीतर इसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी पालना को नहीं करो धारा मुख्यमंत्री, इसका संबंध ये समझा ना बगा दे तो यो के है का संविधान की पालना आप भी करो हो के। एक बात बता भाई, जानता है भीतर ठोकेंगे, डर किसने कौन लागे, बसदा हंड है हर आदमी बसदा हंड है, को कसूर करने रखा कसूर कर रखे तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, भगत सिंह जेल में गए थे, हम जेल काटने के लिए तैयार है, पर इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। अच्छा आप बताओ कि चुनाव में 2 महीने रह गए और 400 पार बीजेपी और जो एनडीए ले जाएगी, और दावा कर रहे हैं इन्होंने राम मंदिर बना दिया और मुसलमान के देश में राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने, तो आप बताओ कि बीजेपी आवेगी कि नहीं आवेगी? बस यो एक काम कर सके, कोई स्कूल बनाया हो तो बताओ, कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बताओ, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो तो कड़ पढ़ लिख के बालक आगे बढ़ जा वो बताओ, क्यों मंदिर की घंटे बताने सारा देश ने? मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, मंदिर बनेंगे वो बनाओगे हमारे बाबे, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का मंदिर बनाने का काम नहीं, भारत देश के अंदर कई करोड़ बाबे हैं, उनका काम है मंदिर बनाने का, उन बनान बनून दो अपने अपना धंधा सारे नहरे नहरे बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री का और देश के प्रधानमंत्री का काम है यूनिवर्सिटी बनाने का, स्कूल बनाने का, अच्छे हॉस्पिटल बनाने का, अरे उल्टे काम लाग रहे, मंदिर बनाओ तो यो, भूत जागर तो यो, मैं तो कहूँ भूत भी कटने लगा थोड़े दिन में मोदी, देखिए तो सर किसी मंदिर में बैठा दे उसने बाबा बना के देश का पेंडा छूट गया, मैं तो बार बार उसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, यो चमन है ईसा कौन देखा आपने? हाँ बेरा मने है विधायक का मोटा माल बचा है। अच्छा जी कहाँ से चुनाव इलाज करें? आसी से लड़ेंगे, आसी और कहाँ से लड़ेंगे? तो भूमिगत ना हो या करो, आसी में दर्शन दे, आसी के अंदर रहे, आसी के लोगों के दिल में रहे, और बात सुन लो मैं एक लास्ट में बता के जाऊँ, हम तो सही आदमी के साथ खड़े हैं, किसान सही है तो गिल्ल खड़े हैं भाई, इस बीजेपी के भ्रष्ट सरकार के नहीं खड़े हैं, और मैंने तो कोई हवन यज्ञ करना पड़ेगा, मैं तो उन्होंने बीजेपी वाले प्रार्थना करूँ कि मेरे ताऊ खट्टर ने ले जाओ खाटू श्याम धोख मरवा लिया, ओपरी यार ये वाली कट जाएगी, नहीं तो मन्ना हवन यज्ञ करके ओपरी काटनी पड़ेगी, मेरी गाड़ी में तो भ्रष्टाचार ना, जम्मा जम्मा घने ईमानदार प्राप्त हो गया, जम्मा जम्मा ईमानदार है ना, 400 सीट अगर ये इंडिया एनडीए लेगी मोदी फिर आएगा फिर के करेगा फिर के फांसी तोड़ेगा हमने आ गया तो मैं तो कहूँ कई बार सो तो नीचे जाएगा, आप वेट करो इंतजार करो, ये किसान खड़े होने लग रहे हैं। चलो ये थे मनोज राठी जी जिन्होंने बड़ी बेवाकी से अपनी बात रखी है, और ये अस्वस्थ है वैसे तो कि भी मोदी जी तीसरी बार रिटेन करेंगे, लेकिन इनसे लग रहा है, लेकिन उनसे घबरा भी नहीं रहे हैं, रिटेन करें और देश को ठीक चलाएं, इनका कहना का मतलब है प्रदेश खट्टू शाम धोख मारे मैं खट्टर साहब ने मरवा लिया, या आखिरी में कह के जाऊं बीजेपी वाले सारे भाई सुन लियो ऊपरी आ रही है उसमें, आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी कुछ भी बोल सकती है, देखते रहिए हंसी की आवाज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें।